हम बुरादाह में रुके हुए हैं। ये रियाद से 400 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप नजारों का लुत्फ उठाइए। क्योंकि एक बार आप किसी भी अरब के घर में पहुंच जाते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भूख लगी होगी है ना? पूरे दिन एयरपोर्ट पे इंतजार जो किया है। कोई बात नहीं। तब से बक बक किया जा रहा है। गाड़ी चला ना। गाड़ी चलाते समय सामने देखते हैं। लेफ्ट साइड ले। इसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तभी लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। इसने मुझे पिछले 10 सालों से अपनी छड़ी की नोक पर रखा हुआ है और मुझे तकलीफ देता रहता है। ये मुझे अपनी छड़ी चुभो करके मुझे दिशा बताता है। बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर चुभोएगा, दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर चुभोएगा। सीधे जाने के लिए सर पर मारता है, जबकि मैं हर रास्ते को जानता हूँ। लेकिन ये बूढ़ा हमेशा अपनी होशियारी ही दिखाता रहता है। सीधे सीधे। अरे मुझे पता है, आप बेफिक्र होकर बैठिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? मैं उसे आपकी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा था। इस शख्स का नाम खालिद अहमद बिन सैद मोहम्मद है। इसका बेटा ही हमारा स्पॉन्सर है, नवाब अहमद बिन खालिद मोहम्मद। फिर इनकी पत्नी, स्पॉन्सर्स की पत्नी और सबके बच्चे। और बताऊं, उन सब की आदतें बहुत ही अच्छी हैं। जब वहां आप पहुंचेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। अब बस कर, ये वहां जाकर खुद सीख जाएगी सब, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है, जब आप वहां पहुंचेंगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगी। जल्दी चला पागल, जल्दी चल चल। मेरी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मैडम, मुझे इस बुड्ढे को मारने का मन करता है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी सऊदी की जेल में गुजरे। यही घर है उनका। आइए बाहर आइए। आ जाओ आ जाओ। यही हमारे स्पॉन्सर है सर। ये है नई हाउसमेड। अपनी आईडी दो मुझे। योर पासपोर्ट। पासपोर्ट। इन्हें अपना पासपोर्ट दे दो। हाँ। अंदर आ जाओ। घर में सीधे अंदर जाना और फिर बाएं मुड़ जाना। जाइए। सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? वालेकुम अस्सलाम, बहुत उम्दा चल रहा है, खुदा की मेहरबानी है। शर्मा क्यों रही हो? अंदर आ जाओ। अरे आओ ना। समीरा, ये है तुम्हारी नई हाउसमेड। नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तुम्हारा? योर नेम। नेम अश्वथी। इसका नाम असुथी है। फातिमा, फातिमा, हमारे पास पहले से ही एक रसोईया है, बाकी सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी। फातिमा, ये नई हाउसमेड भारत से आई है, हमारी नई हाउसमेड है, इसे सारा काम अच्छे से सिखाओ। इसका कमरा दिखा दो और इसे कपड़े बदलने के लिए कहो। आ जाओ, ये आपका कमरा है।
साड़ी ये आप पर अच्छी लगेगी। मैंने हिंदी फिल्मों में ये देखा है। ड्रेस बदल लो, यहाँ साड़ी नहीं पहन सकती। चेन साड़ी। तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आहिरु तुम सितानी कब आएगी तू? चलिया चलिया चलिया। क्या बात है, आप तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब तो आप बिल्कुल नमाजी लग रही हैं। अश्वथी बहुत खूबसूरत है, हर ड्रेस में अच्छी लगती है। फातिमा ने जो कहा आप समझ गई क्या? सच बताऊं तो कुछ भी नहीं समझी। फिक्र मत करिए, सब समझ जाएंगी। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। अश्वथी, स्पॉन्सर की वाइफ आपको बुला रही है, आपका पहला दिन है संभाल के। सपना की रानी कब आएगी तू? चलिया। अश्वथी, अश्वथी वहां क्या कर रही है? इधर आ। रो मत, ठीक है, रो मत। रोते नहीं हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जल्दी अंदर आ। बच्चे का ख्याल रखो, यहाँ गंदगी फैली हुई है। पहले इसे साफ करो, फिर फर्श को साफ करो। टेक हिम एंड वॉश, देन क्लीन द फ्लोर, अंडरस्टैंड?